सो आपको ना बहुत अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आ सकते हैं। हाँ, मैंने बहुत से लोगों की शादी कराई है, जैसे जॉनी सिंस। हाँ, जॉनी सिंस वो टकला भैया। Are you kidding? नहीं, सच में। एंड सनी लियोनी, मिया खलीफा। हाँ, एंड चौथा नंबर आपका है। करूँ एक बात बोलूँ? सुनो, बुरा मत मानना। हाँ जी। कुवारी रह जाओगी, कोई शादी वादी नहीं करेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच बताने के लिए। एक तो आया हूँ शादी वादी कराने के लिए, प्लीज। एक तो एज भी नहीं बता रही, 50-60-70 साल की बुड्ढी होंगी, उसका एज भी नहीं बता रही है। तो एज बताने प्रॉब्लम क्या है? क्यों बताऊँ मैं आपको? बताओ एज। क्यों बताऊँ? मैं एजेंट हूँ। किसी और की एज पूछो। एजेंट बताओ क्या, मेरे ऊपर एजेंट हो क्या? What's up guys? मैं धीरज। तो गाइज, आज का टॉपिक है ना, बहुत ही यूनिक टॉपिक है यार। मैं ना शादी.com वाला बंदा बनके लड़की के पास गया हूँ, और ये टॉपिक है। वीडियो पूरी देखो यार, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के बाद में। जाओ देखो। हाय हाय, जुल्फे बड़ी अच्छी लगा रहे थे आप। ओके, हाँ, सो ये हो गया जी मजाक। तो हम ना एक शादी.com से हैं। नहीं, मैं शादी.com से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप बताया आपने शादी.com से। बोलिए, मेरे से क्या काम है? मतलब ज्यादा जल्दी हो रही है शादी वादी करने की। आपका नाम क्या है? गजल। गजल, नाइस नेम यार। गजल, ओके। तो गजल, आपकी राशि क्या है? कुंभ राशि आई थी, है ना? गजल कुंभ राशि। तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो यार, आपकी डेट ऑफ प्लेस कहाँ पे है? आप इतना सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली ना, मैं शादी.com से हूँ। ओके। एंड आप मुझे लगे कि आप शादीशुदा, मतलब शादी के लायक हो, तो तो मैं एज एजेंट आया हूँ आपकी शादी वादी कराने के लिए। ये शॉपिंग नहीं है? हाँ, मतलब थोड़ा डेट ऑफ बर्थ बता दो, कि थोड़ा आसानी रहेगी ना लौंडे लफाड़े को दिखाने में, कहीं पता चले बुड्ढी उड्डी। आपको जरूरत नहीं है लौंडे लफाड़े ढूंढने की, वो मैं खुद देख लूंगी, और मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। हाँ, सो आपको ना बहुत अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आ सकते हैं। हाँ, मैंने बहुत से लोगों की शादी कराई है, जैसे जॉनी सिंस। हाँ, जॉनी सिंस वो टकला भैया। हाँ, आर यू किडिंग? नहीं, सच में। एंड सनी लियोनी, ओके, मिया खलीफा। हाँ, एंड चौथा नंबर आपका है। साउंड्स अमेजिंग, सच में। ओके, दो दिन शादी करके रुक जाना, बाकी दिन भाग जाना, उसका कमीशन ले लेंगे। यार आप कौन होते हो मेरे को ये बताने वाली कि मैं शादी करूँ, दो दिन उसके साथ रहूँ और भाग जाऊँ? हद है यार, आप जाओ प्लीज यहाँ से। तो यार, आप इतनी प्रीटी हो ना, आपके पास ना, मेरे पास चार ऑप्शंस हैं, मतलब लाइक चार लड़कों के रिश्ते हैं। पहला रिश्ता मेरे पास है, एक बहुत ही मस्त लड़का है, ठीक है, कमाता वमाता अच्छा है, सारी चीज़ें, ठीक है, मंथली उसकी इनकम लाखों में है, ठीक है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 70-80 साल का है? नहीं नहीं, अरे आपने सनी लियोनी सुना है? मिया खलीफा देखा? इन सबकी शादी मैंने कराई है कसम से। तीसरा नंबर आपका है। व्हाट प्लीज? जाओ, मेरे को नहीं करनी कोई शादी वादी, मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करा पाए। एक बात माफ करूँ, एक बात बोलूँ? सुनो, बुरा मत मानना। हाँ जी। कुवारी रह जाओगी, कोई शादी वादी नहीं करेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच बताने के लिए। एक तो आया हूँ शादी वादी कराने के लिए, प्लीज। एक तो एज भी नहीं बता रही, 50-60-70 साल की बुड्ढी होंगी, उसका एज भी नहीं बता रही है। तो एज बताने प्रॉब्लम क्या है? क्यों बताऊँ मैं आपको? बताओ एज। क्यों बताऊँ? मैं एजेंट हूँ। किसी और की एज पूछो। एजेंट हो तो क्या, मेरे ऊपर एजेंट हो क्या? थैंक यू भाई। चलो हाई कर दो। अच्छा, हाई कर दो। अब करोगे शादी? नहीं नहीं, चले बंद करे। ओए बंद कर। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जाओ फटाफट करो।